रिकॉर्ड पैदावार के बाद भी सरसों की मांग को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। अभी तक 70 लाख टन सरसों की पेराई हो चुकी है। व्यापारियों के पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है, सिर्फ 14 से 15 लाख टन का स्टॉक है, वो भी किसानों के ही पास है, जो अपनी जरूरतों को और बीजों के लिए सरसों को रोक कर रखे हुए हैं, जबकि नई पैदावार आने में अभी कम से कम 5 महीने का समय बाकी है। त्योहारी मांग और सरसों दाने की कमी को देखते हुए इसके काम में फिर से तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के उठाए गए कदमों के कारण ज्यादा दाम में तेजी आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ठंड और त्योहारों को देखते हुए इसकी कीमत बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक बीबी मेहता ने कहा है कि फसल आने के बाद से 7 महीने के दौरान सरसों की लगभग 70 लाख टन की पेराई की जा चुकी है और शेष लगभग 14 से 15 लाख टन सरसों किसानों के पास रह गई है। अभी अगली फसल आने में 4.5 से 5 महीने का समय है। सरसों की इस कमी की वजह से सरसों तेल तिलहन के भाव सुधर गए हैं। हाल ही में सेबी ने NCDX के सरसों वायदा पर रोक लगाई है। जब तक सेबी का आदेश नहीं आ जाता तब तक सरसों वायदा पर यह रोक रहेगी। सेबी ने यह फैसला त्योहारी सीजन में तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए लिया है। वहीं केंद्र सरकार भी खाद्य तेलों को लेकर काफी सतर्क हो चुकी है। केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को ज्यादा महंगा तेल ना खरीदना पड़े। केंद्र सरकार ने भी खाद्य तेल और तिलहन की जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मार्च 2022 तक खाद्य तेल और तिलहन के लिए स्टॉक सीमा मानदंड लागू किए हैं, क्योंकि दो दौर की शुल्क कटौती के बावजूद कीमतें काफी अधिक हैं। हालांकि केंद्र ने स्टॉक की सीमा तय करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2000 से पहले तेल तिलहन के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद वायदा कारोबार शुरू होने के बाद हमारी आयात पर निर्भरता बढ़ती चली गई, और जब तक वायदा कारोबार रहेगा आत्मनिर्भरता हासिल करने में मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि कुछ बड़े कारोबारी गुट बनाकर वायदा कारोबार का इस्तेमाल निजी हित में मनमाफिक भाव घटाने बढ़ाने के लिए करते हैं। इनसे आयातकों को भी काफी नुकसान हो रहा है, अभी ऐसा सूत्रों का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।